नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा, वॉइस फॉर नेशन में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। करते हैं, बहुत खुशी की बात है। योग दिवस के लिए शुभकामना देते हैं योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को और सभी योग प्रेमियों को। बहुत कम दिखाई दे रहे हैं इस बार, अगली बार बढ़ाएंगे। इस बार स्थान बहुत अच्छा है बाचे जी का, उनको भी शुभकामना दे रहे हैं। बहुत साफ सफाई, हरियाली है, ऐसी ग्रीनरी में आसन करना चाहिए। ये महर्षि पतंजलि का, कीलदेव जी का, और से साथ टू साथ टर्निंग करने से जो आलस रहती है, बगल में दर्द होता है भोजन करते समय या पहले भी हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे अभी आचार्य जी योगा का बता रहे थे, अंग्रेजी में तो एक ही बात कह दें, योगा कीप्स बॉडी फिट। बस तो अक्सर भैया बीमारी के लिए निकालना पड़ेगा, तो एक चीज के लिए निकालना चाहिए। इतना सुंदर जगह है गोवर्धन वालों के लिए, तो ये सुंदर जगह समझे वरदान बन गई है। अच्छा खुले जगह है, आना चाहिए। कति चक्र कम आलसी मनुष्य नाम महंत पोष्टी, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। आलस को दूर करते हैं आसन आदि हैं, ये सब क्रियाएं आलस को दूर करते हैं, मोटापा को कंट्रोल करते हैं। आज भोजन भक्तमाल के संत कीलदेव जी महाराज ने खोज किए, योग दर्शन के संत पतंजलि महाराज ने खोज किए। अब क्या क्या बताएंगे शिक्षक जी और हम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण जी। आप घर में कोई काम नहीं है, अगला थोड़ा सा आपको योग दर्शन कराता हूँ। तो अभी तलक तो चंदन मरसा सौ का पहरा देखा है, अभी तलक तो सिंहासन को दूंगा पहरा देखा है, अभी तलक तो सिंहासन से वर्ष से ज्यादा हो गया। अब तो ताली बजाने में लगे एक बार और लंबा गहरा सांस को भरें, पैरों को बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। स्टॉप, एक बार और, पहले थोड़ा सा सांस भर लें आराम से, लंबा गहरा सांस को भरें, छोड़ें को। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को शुभकामना देने के साथ साथ ऐसे नौजवान निकल रहे हैं, उनकी मेहरबानी से तो निकल रहे हैं वीर योद्धा सेवक। दोनों नलियों की व्यायाम हो जाएगा, इसके लिए तो थप्पड़ खा लगा। चल मेरे भैया, चल मेरे भैया, कितनी सरल चीज है, सिंपलीफिकेशन हो गया। चल मेरे भैया, राधे राधे भी करते रहे और काम भी करते रहे। आइए आचार्य जी बाद में हंसाएंगे हम। फिर लगाओ फ्री में स्वस्थ हो जा, बड़ा दवाई के स्वस्थ हो जा, इंजेक्शन मत लगाओ, बाकी लाल जी के बाद में आसन करो। बोलिए योगेश्वर के राज हरि हरि। श्री गणेश, देव श्री गणेश, देव श्री गणेश।
यहीं बैठे रहे। योग के क्या क्या लाभ हैं आप जानते हैं? नहीं, योग के बहुत अच्छे लाभ हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व योग दिवस के रूप में आज बनाया जा रहा है और हर व्यक्ति को योग करना चाहिए और योग करेगा तो ये वास्तव में निरोगी काया होगी और आज जो अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जो बहुत महंगी चिकित्सा हो गई है, वो सब नहीं करनी पड़ेगी। योग के बहुत लाभ हैं। क्या नाम है? योग से क्या क्या लाभ होते हैं? योग से पूरे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं वो चुस्त होती हैं, एक्टिव होती हैं, निरोग होती हैं, उनके जो मल हैं वो नष्ट होते हैं, मन उसमें एक नई चेतना, नई फुर्ती का अनुभव होता है। और योग करने से ऋषियों ने कहा है कि योग चित्तवृत्ति निरोध है, कि मन कभी गलत कार्यों की तरफ नहीं जाता है, मन शांति की तरफ जाता है, आरोग्यता मिलती है, आदि आदि। योगा कीप्स बॉडी फिट और शरीर चुस्त रहता है। हमारे ऋषियों ने भी ये लिखा है कि योग कर्मसु कौशलम, कुशलतापूर्वक योग करने से शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सर्व धर्म सत्य है शरीर से, शरीर ठीक रहेगा अरे किशन जी तो पूरा जीवन हमारा ठीक रहेगा। तो योग बहुत अच्छी क्रिया है। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि कीलदेव जी ने, महर्षि कपिल मुनि ने और ऋषियों ने चलाई है, ये बड़ी आनंदमयी। त्रिपाठी जी की बताया जो ये योग दिवस है आज 21 जून पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, बताते हैं कि ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब वैसे योग को अष्टांग योग है पतंजलि जी का, उसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से अष्टांग योग होता है। उसका यम, नियम, आसन, इनको छोड़ करके यम, नियम, आसन में ही संसार को व्यवस्थित करने की, एक दिशा देने की, एक मंच पर लाने की दिशाएं हैं, उसमें एक व्यवस्थाएं हैं। तो यम, नियम, आसन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अष्टांग योग क्या है, महर्षि पतंजलि क्या हैं और वो कब हुए थे, इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो भी आना चाहिए। केवल यौगिक प्रक्रिया ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने दो काम ऐसे किए हैं, योग को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुँचाना और दूसरे ये चारों ओर स्वच्छता अभियान, देश को स्वच्छता अभियान। इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा प्रभाव आम जनता पर होगा, जनता बहुत स्वस्थ रहेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं और आगे के लिए भी मैं उनका उत्साह वर्धन करता हूं और देशवासियों का उत्साह वर्धन करता हूं कि वो इससे जुड़ें और प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को हाथ जगह पर पूरे भारत में साथ साथ पूरे विश्व में भी योग दिवस का आयोजन किया गया है और 21 जून को, और ये चौथा योग दिवस है और इसके उसमें आज 6:30 बजे से हम लोग एकत्रित हुए चंद्रा गार्डन पर और कम समय के बुलावे के बावजूद भी काफ़ी लोग एकत्रित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया और साथ ही उनको सारी चीज़ें प्रत्येक उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या किस बीमारी में फ़ायदा होता है ये गुरु जी ने बताया। हम लोग अर्जुन राणा को लेकर के आए, उन्होंने पूरे इसका वो किया है और सारी चीज़ें बताई हैं। साथ साथ जिस जो हमारे यहाँ सहभागी थे उन्होंने भी उसका प्रदर्शन किया और इसका सफल आयोजन हम लोगों ने कराया है अपने उस जो भी हम लोगों की रिसोर्सेज थे उसके देखते हुए
सफल आयोजन कराया गया है।